ओहो, फैमिली मिल गई भाई। देखो 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 कैसे पहचान रहे हो। वो देख, यही है भाई। अरे वाह, शाबाश। ओहो, यही है भाई। ओहो हो हो, देखा। अरे यार, आई एम फीलिंग सो गुड। सो फाइनली हम लोगों ने मिला दिया। राइट, गुड मॉर्निंग। सो सीन कुछ ऐसा है कि वक्त हो रहे हैं सुबह के करीबन 7 और हम जा रहे हैं समंदर के पास। रात सही हो गई, मस्त हो गई और अच्छे से नींद आई। थोड़ी ठंड लगी लेकिन ठीक था, एज सच ज़्यादा ठंड नहीं थी। बस बाकी अभी हमारे बालक लोग तैयार हो रहे हैं और फिर हम निकल रहे हैं यहाँ से बीच की तरफ। बीच जाएंगे और आज प्लान ये है मेरा कि आज कुछ स्पेशल करेंगे। आज स्पेशल मतलब मैं अब बताऊंगा नहीं, चलेंगे देखेंगे। आवाज़ सुनो, पक्षियों की आवाज़, और देखते हैं फिर क्या करते हैं आज का प्लान। रनिंग तो करेंगे ही करेंगे बीच पे, और क्या करेंगे वो देखेंगे हम। देखो ये बच्चे आ रहे हैं, ये देखो एक एक बच्चा यहाँ बैठा। तू बैठा क्यों भाई, चल ना। अरे चल, चलो बंद कर। ये हमारी गामिनी खड़ी है, गज गामिनी, और राजेश भाई ने इतना अच्छा फूल पौधे लगा दिए हैं यहाँ पे कि हम बया ही नहीं कर सकते। ये रास्ता जो है बड़ा सॉलिड है यार। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना, याद है दिलीप, ये मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसे, मैं बोला दरवाजा नहीं खोल रहे, कोई जाएगा कैसे आदमी अंदर। फिर देखा साइड से दिलीप अंदर घुस रहा है, मैं बोला ये सही है जगह। बोले कहाँ से कहाँ। वाह यार, पता नहीं क्यों मेरे को सुबह जो होता है ना, मेरे जीवन की इतनी खुशी मिलती है ना मुझे सुबह और शाम को, कि मैं बया ही नहीं कर सकता। विशाल को भी ऐसे ही लगता है। विशाल को क्या लगता है विशाल, वो खुद बताएगा ना। विशाल, मुझे तो बस सुस्ती आती है सुबह। विशाल नींद खुल गई है? नहीं खुली है। राज भाई की तो खुल गई है। दिलीप की? दिलीप तो सलमान खान बना सो रहा था, टी शर्ट उतरी थी। मैं बोला अच्छा राजेश भाई बोलते कि पंखा किसने चला दिया था रात को। मैंने बोला एक बात बताओ, कपड़े उतारे कौन सो रहा था? इससे पता चलता है गर्मी किसे लग रही थी सबसे ज्यादा। हाँ सही बात। तो उसी ने आजा। सो मैं बोला देख लो, जिसको सबसे ज्यादा गर्मी लग रही है वो पता चल रहा है। जब हम लोग पद्मासन कर रहे थे, दिलीप भाई हमारे, दिलीप भाई तो पद्मासन में सो रहे थे। दिलीप अरे चलो राज भाई, टाइम पास कर रहे हो। अरे लाड़ प्यार में आ गया। और इधर पे, इधर ध्यान से देखो तो इधर शूट चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो, ये कोई तो शूट चल रहा है। मुझे पकड़ लो, कहाँ था बोलते। प्लीज प्लीज यार छोड़ दो, हो गई गलती। अरे वहाँ काजल विजल लगाया उसने, कतरिया लगा के घूम रहा है। देखो राय भाई आपके लिए काजल लगा के इंतजार कर रहा है। चलो चलो बस 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 बस, हमें काटेगा क्या? बस बस आज दिन छोड़ूंगा बोलता। नहीं कर रहा वही हाथ है क्या? नहीं यार। इधर ही बैठ जा अभी।
आज ना राज भाई का साथीदार मिला छोड़े का नहीं। राज भाई को उसने पकड़ लिया और दो टांगों से चल के जा रहा है। अरे बाप रे भाई साहब, ये छोड़ेगा नहीं आज राज भाई को। देख किधर गया। मेरा प्लान ये था कि मैं समंदर के अंदर डुबकी मारूंगा, लेकिन पानी गहरा कितना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा गहरा पानी नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना अंदर जा सकूँ। आप ही आइए जहाँ तक आ सकते हैं, बहुत है, बहुत स्पेस है अभी। और देखते हैं, ये देख रिफ्लेक्शन, इधर घुमा कैमरा, ओ नहीं सन का दिखा, भाई ये दलदल है, ये दलदल है। अबे 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 तो कीचड़ है पूरा। ओ भाई साहब, ये तो सॉलिड कीचड़ है, वो फिल्मों में होता था ना पहले की दलदल में। भाई बहुत मिट्टी है, देख एक बार मुझे देख कैमरा, मैं बढ़िया एक्सपीरियंस कराता हूँ लोगों का, कोशिश करके। दिस कैन बी टू रिस्की बट देख, दे 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 जल्दी से। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, ओ अबे पैर ऐसा फंस रहा है। मत लेना, मैं कैमरा लेना कसम से यार, इधर आना। अबे आ जा, उतरी भीगी है। अबे आ जा, कुछ नहीं है। ओहो, ये फील बहुत ज़रूरी है, पता है। आओ हम अपने मित्रों से बात भी करें। सो टेक्निकली आपका ये फील करना ज़रूरी, कैमरा थोड़ा लो एंगल करें आप, ये बस। क्योंकि जब आप पानी से अपने शरीर को टच करते हैं ना, तो आपको एक सर्टेन एनर्जी मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ भी जा सकता हूँ, जितना जा सकता हूँ उतना गया हूँ, क्योंकि आगे कीचड़ है। और ये वेव छोटी सी, मतलब क्या हो, इधर तो मेडिटेशन में बैठ सकता हूँ मैं आधे एक घंटे, ज़्यादा नहीं तो। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब अगर आप लोगों को मौका लगे तो आप लोगों को भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कूद जाओ अंदर चले जाओ, बट जस्ट सिट इन द वाटर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर पानी में बैठिए, तो आपको एक आपको फील होगा एनर्जी, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और कोशिश करें कि सूर्योदय के समय करें ये चीज़, या तो सूर्योदय या तो सूर्यास्त के आसपास। तो उससे क्या होगा कि सूरज सॉफ्ट रहता है, तो वो एनर्जी एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे।
बाकी सब बढ़िया है, बाकी चल रहा है। दिलीप हमारे कैमरामैन हैं आज के, थैंक यू सो मच दिलीप। अभी मैंने ये चीज़ की तो देखो कुछ लोग और इस चीज़ को ज्वाइन किया। कैमरा घुमा दो उधर, आप दिखाएं। तो आइडिया ये है कि आपको मैं इतना जूम नहीं करना है, दिलीप हो गया। तो आइडिया यही है कि यू शुड फील द वाटर द एनर्जी। और मैं कोशिश करता हूँ लेटने की, मेरे बाल जो हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे बाल ना भीगें, क्योंकि शैम्पू में पता नहीं कब करूँगा, लेकिन दिस इज़ सो गुड, फील सो गुड। एक्चुअली आई डोंट केयर, भीगने देते हैं। आजा बाबू, तुमने लखा उसे, तुम मम्मी बन गई उसकी मम्मी। यार ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, इंसान नहीं करता। कभी भी जानवर हमेशा देखना, छोटे बच्चे को भी ना, कभी नहीं वो हर्ट करेंगे। रोल को ऊपर पेट कम हो गया था उसका, ये लेकिन बहुत ही छोटा लग रहा है। हाँ उन लोग का ही लेकिन शक्ल इसका है भाई, देख इसका, रखो रखो नीचे रखो, मालूम पड़ेगा इसका नहीं। क्या कर सकते, बड़े बड़े नहीं होते। हाँ ये भी सही बात है, इसको पकड़ पहले तू, यहाँ से पकड़, फिर मैं निकलूँगा ना खुद से। रुक जाओ, नो ये मारेगी तू नहीं। अबे चुप रह, तू ये सब बातें नहीं करते। रुक रुक मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से। अबे रुक चलो बस भाई, इसको हो गया, इससे लगा हुआ है, देख देख। नहीं एक बार ऐसे नजदीक से क्या करता, क्या करता है, काटे की हिम्मत। ए यार तू चुप रह, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या है, लगा हुआ है तुम्हें, कांप रहे थे कितना हुआ, ये ठंड से कांप रहे थे। अगर लगा होता तो अंदर घुसता ही जाता था। नहीं वो देख, वो जो उसकी माँ उधर से चली, ये है तो उसी का ही। चलो देखते हैं। जाओ चलो। सो कल हमें ये मिला था यहाँ समंदर के अंदर, इसका पेट फूला हुआ था। कल हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने इसको ऊपर रख दिया था, फिलहाल ये सेफ जगह था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी एज के कुछ बच्चे हैं, मतलब कुत्ते हैं, मुझे लगा कि इसकी माँ शायद वो है, क्योंकि वो सब सेम एज इसी एज के हैं, तो ये शायद बिछड़ गया, क्योंकि ये ऊपर से नीचे खुद से नहीं आ सकता। तो मुझे लग रहा है सामने से ये ऐसे अंदर चला गया और खो गया था। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और इसे उन बच्चों के बीच में रखते हैं, तो देखते हैं अगर वो पहचानेगी इसे तो इसे वहीं छोड़ देंगे, अदरवाइज देखते हैं क्या करना है। ये है बच्चा हमारा छोटा सा, फैमिली मिल गई भाई। देखो 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 कैसे पहचान रहा है वो देख बैठ गया जाके। ओहो यही है भाई, सही है, शाबाश। ओहो यही है भाई, ओहो देखा, अरे यार आई एम फीलिंग सो गुड। सो फाइनली
हम लोगों ने मिला दिया थैंक्स टू विशाल, क्योंकि उसको निकाल के विशाल ही लाया था। कल हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ से क्या था वो, तो विशाल ने ही उसे ढूंढा था, निकाला था उसे समंदर के बीचों बीच से, और हम लोगों ने कल रख दिया था। और आई एम फीलिंग सो गुड, अपनी फैमिली के साथ वो मिल गया। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, वो देखो कैसे घुस के बैठा हुआ है सबके बीचों बीच। ये देखो ये वाला है वो जिसको हम लेके आए हैं। वो देख देख वो कैसे कर रहा है, देखा तूने हाथ उसका दूसरे वाले का? अरे बाबू मिल गया। अरे सो आपको मैं दिखाऊं, ये जो है इस कहाँ है मेरी उंगली कहाँ है यार, ये इसको हम लेके आए हैं। ये अपनी फैमिली के साथ है, समझ देखो कैसे बैठा हुआ है मस्त। ठीक है बच्चे, ख्याल रखना ओके। ओके बाय बाय, अभी मैं जा रहा। ठीक है बाबू, कभी हुआ तो फिर मिलेंगे, टेक केयर। चलो भाइयों हो गया, मिशन अचीव्ड। हाँ भाई विशाल कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, किसी की जान बचाई मैंने, है ना? सो थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू सो मच यार, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यार, थैंक यू सो मच। यही बात कर रहे थे कि ऐसा जो फीलिंग होती है ना यार, मतलब और सबको ये चीज़ करनी चाहिए, यू नो? नहीं नहीं इनका नहीं आएगा, सबका आएगा, लेकिन इनका टोन वही आएगा। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, बेइज्जती पे बेइज्जती होती जा रही, बेइज्जती पे बेइज्जती। और मैंने कपड़े उतारे हुए हैं तो सब लोग मुझे ऐसे तरीके से देख रहे हैं कि जैसे मैं वन मानुष हूँ। हमारे अंकल जी वो जा रहे हैं, मेरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। किस लड़के को, ये लड़का कहूँ या आदमी कहूँ? या जानवर कहूँ? सो एनी वेज, सो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। सो माई फ्रेंड्स यू डू वट एवर। क्या है राज भाई, ये हमारे राज भाई की कॉलर ट्यून है, बंद कर दो, बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा। सो ऑलराइट, सो इसी के साथ, इस अच्छी सी खुश मिजाजी के साथ, खुश नुमा माहौल के साथ, क्योंकि जो काम हम लोगों ने किया है उसके लिए थैंक यू। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। सो माय फ्रेंड्स यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ दिस प्लैनेट। गुड बाय बाय बाय।